शंकर जी बोले हाँ धर्म है, कैसे कर्तव्य कैसे प्रमाण है का चुप है आओ। ब्रह्म में जो व्यापक विरुद्ध यज, ब्रह्म में जो व्यापक विरुद्ध अज, अकल अनेक अभेद। ब्रह्म में जो व्यापक विरुद्ध अज, अकल अनेक अभेद। सोवज भगत प्रेम बच कौशल्या की बोल, निर्गुण विगत विनोद। सोवज भगत प्रेम बच कौशल्या की गोद। जो खेल कूद से परे है और वो कौशल्या की गोदी में था, और जिन्होंने बाल चरित में अपने मुख में कौशल्या को दर्शन कराया कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो आज ब्रह्म कहाँ पहुंचे? मुनि आश्रम, तो जग सफल कराया। एक मुनि पत्नी का उद्धार कर दिया और अब वो गंगा के पार हो गए हैं। ऐसे भगवान जनकपुर के लिए जा रहे हैं, वो आनंद देते जा रहे थे। कौन है जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का समुद्र है। अहिल्या को आनंद दे गए, गई पतलोक आनंद भरी। और इधर विश्वामित्र के जगत जो यज्ञ सफल कराया, इनको भी आनंद दिया। जिनका इनकी भी चिंता दूर की, अब वो जनकपुर जा रहे हैं। और यहाँ आनंद का सरोवर के जनकपुर में का है, काय खिलाने जा रहे, बिना बुलाए जा रहे। जितने दो मांगो तो वरदान, फिर ये कैसे जा रहे? बोले जनकपुर है संतन की नगरी, उस संतन के यहाँ सनातन ब्रह्म परमात्मा अपने आप ही आता। तो यहाँ नर और नारी सुभग सुच संता, नर और स्त्री पुरुष दो ही संत है। कई घर के बाल बच्चे, कई बाल बच्चे तो नहीं, संत तो आत्मा होती है, आचरण होते संत के। गिरीश नहीं हो के लाल पेरे के, पीरे पेरे के कारी पेरे। तो आचरण कैसे आचरण? धर्मशील, धर्म कर जा रहे, धर्म पे चल रहे। वो कह रहे हम कुछ नहीं कर पा रहे। धर्मशील वो ज्ञानी, वो गुणवान, जो थोड़ी के मेरे तरू वो भगवान का हूँ जाते हुए। सब गुणवान है, ज्ञानी गुणवत्ता। ऐसी जगह पर परमात्मा राम जा रहे, तो पहले संकीर्तन करो, फिर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। श्री श्री राम जय राम जय 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 राम।
पावन शोक न था मन प्रकट भई तप कुंज सही
मन में गलाने आ गई थी। गुरु जी ने कहा कर रहा हूं कि ये जो सबसे पहले ताड़का मरवाई स्त्री पे हाथ उठाओ हमारे कुल में यह तो बहुत है। अकेले दूसरी ब्राह्मण पत्नी पे लात लगवाई कि जो भी हमारे कुल में नहीं भाव हम तो पांव परत के हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ था मात पिता गुरु नाम है माता ये लड़का सदा माता पिता के चरणों को पालागते हैं गुरु चरणों को पालागते हैं तो उनको काका मतलब आयु विद्या यशो बलम उनको यश मिला तक छो। अरे बहुत बढ़िया लड़का छो कौन को अरे फलाने अरे पकड़े यश मिलता है मताई के पाँव पर तो मताई ज्यादा दूध डालते थे लड़का बढ़ गया पाँव पर तो बल बढ़ेगा अगर आशीर्वाद मिलेगा तो उम्र बढ़ेगी हजारी उम्र हो उम्र बढ़ती है। ऐसे राम जी जब वहाँ ब्राह्मणों को दान बांटा पंडन को गंगा किनारे और दान बांटते भाई अब तनक खुशी आई अपन दान कर दो तो अपनों ये थे लगा के कछु क्रेड अपन को मिलेगा। दान देने वाले को चेहरा खिलत है वो बढ़िया को चेहरा मुर्दिया चाहे को कहते यहाँ हो भुजो तो हो जाए दबो तो हो जाए बगल काटा चलो और दान देगा तो चेहरा खिलाता रहेगा। कहाँ गए थे अरे सम्मेलन में गए थे अरे हम दो तीन हजार हो दिया वो तुमने तुम दिया कि ना तुम्हारे क्या कहते हैं नहीं तुम दिया हो कर तो कहा ये जहाँ राम जी ने दान बांटो तो फिर चल पड़े राम जी हर से चले रह गए मन नगर बिल्कुल नजदीक ही आ गया। कहा गुरु महाराज कहाँ रुकेंगे अपन बोले महात्मा लोग हैं करो निगाह नगर के आसपास नदी के किनारे सब राजा लोगन के तंबू तने अपन कहाँ रहेंगे बोले अपन रहेंगे जो बगीचा है आमन को इसी में जहाँ बगीचा उस अमराई में जाकर के विश्वामित्र जी ने अपना डेरा जमाया और गुरु जी के लाने और बगीचा देख वे के लाने राम और लक्ष्मण दो ही जने चले गए और इतने खबर मिली जनक जी महाराज रिश्तेदार के लाने कछु कारज हो गए और रिश्तेदार आवे और पतों पर जाए तो जाके कारण को भूल जाए फलाने आ गए प्रसन्नता हो गई। महाराज मुनि विश्वामित्र जी आए और दो राजकुमार संगे हैं पूरा विप्र समाज संग में है जो जग में थे वो सभी समाज साथ में लेकर जनकपुर में आए। ऐसी खबर लगी महाराज जनक जी के लाने विश्वामित्र माम होने आए माम होने आए
मंत्रिमंडल संघ में लाओ और जो गिने चुने योद्धा फौज के हैं उन सेनापतियों को साथ में लिया और विश्वामित्र जी से मिलने के लाने आए। और जहां मिलने को आए विश्वामित्र जी अकेले बैठे थे और जनक जी महाराज आए विश्वामित्र जी महाराज से मिले। उसी समय ठीक राम और लक्ष्मण आ गए। दोनों गए रहे देखन फुलवारी। ये फुलवारी देखने को कहते और दोनों राम लक्ष्मण आए। जनक जी महाराज को प्रणाम किया और फिर विश्वामित्र जी के पास में एक जा तरफ लक्ष्मण राम जा तरफ दाहिनी तरफ राम बाई तरफ लक्ष्मण और जैसे बैठे जनक जी की निगाह इन्हीं पे हो गई राम जी पे। जनक जी की निगाह देखी विश्वामित्र जी बोले महाराज आप इन्हीं के ऊपर निगाह टिकाए रह गए बहुत प्रेम होगा आपको। बोले महाराज प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा। बोले अनुराग हो गया मेरे मन में बैराग था बस ये जो चीजें मन ही तो हो तो बैरागी मन ही रागी हो कपड़ा बैरागी नहीं हो मन हो तो बैराग। शंकर जी बोले जब से सती का शरीर त्याग अनुभव तब से शिव मन भयो फिरागा। और जनक जी महाराज क्या कहते जनक जी महाराज कहते हमारो मन कैसो सहज विराग रूप मन मोरा सहज विराग रूप मन मोरा सहज विराग रूप मन मोरा हमाओ मन बैरागी है तो सहज में बैरागी तो हमाओ मन रोका कैसे बोले जैसे चकोर चंद्रमा को देख के रुक जाती है ऐसो हमाओ मन इनको देख के रुक गो इन्हें देख मम मन अनुरागा और बर बस ब्रह्म सुख है मन त्यागा मेरे मन ने ब्रह्म सुख का त्याग कर दिया। जो कर परमात्मा की पहचान अपनी अपनी हसीयत से जो जैसो है परमात्मा की पहचान महाराज जनक जी करते जब मेरे मन को जा रुकावट संसार से नहीं आ सकती संसार में तो विदेह है और देह का भान होने लगा राम को देख करके इन्हें देख मम मन अनुरागा पर बस ब्रह्म सुख है मन त्यागा। तो महाराज सुनो नाथ सुंदर दो बालक नृपकुल तिलक के मुनिकुल नृप मुनिकुल तिलक नृपकुल पालक ये बालक कौन है काऊ राजा के लड़का तो नहीं है
इन्हें पालन पोषण विद्या को आए हो मैं। हाँ बोले नहीं, ये दो दशरथ के ढोटा और बाल मरालन ते कल जोटा, हल्के से इनके चार है राजा के लड़का, और जोट बनो एक सांवरो एक गोरो, एक सांवरो एक गोरो। तब वो ही है महाराज दशरथ के पुत्र जनक जी से। मैं बोले वो तुम्हें का लग रहा? बोले हमें तो जो लग रही कि राजा के लड़का बने हैं आन के, राजा के लड़का ने न्याय ब्रह्म है खुद स्वयं। कैसे ब्रह्म चुने का मन कहेगा ये हमें जो लग रही कि ब्रह्म ने दो स्वरूप धारण करे, तो ब्रह्म का ही अंत जीव है। तो हमें ऐसे लगता कि ये दोनों ब्रह्म का ही स्वरूप है, वो है भेद में, दोनों भेद में। महाराज आप यहाँ नहीं रहोगे तो हमने एक ऐसा भवन बनवाया जो अतिथि सबसे अच्छा आएगा। एयरपोर्ट पानी बरसा हो रही तो वहाँ उस फसल में बढ़िया व्यवस्था, ठंड भी पड़े तो गर्मी की व्यवस्था, और गर्मी है तो ठंडी की व्यवस्था है, ऐसा भवन। वे बोले भोजन हमें बनाने पर पंडितन को, बोले नहीं भोजन की भी वहाँ व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं उस भवन में। महाराज जनक जी लेकर के गए, उसी भवन में रुकाया, और रात के महाराज भोजन बने तो भोजन सबने भोजन करे, भोजन करे मन मर बे ज्ञानी, भोजन करे मन मर बे ज्ञानी, जैसे भोजन करना चाहिए तो सत्संग भी करना चाहिए। सत्संग से का सत्वृत्ति बनती है। अपन जैसी बातें करें ये सोई सपनों आओ। अब को जेल में कौ गुना जा रहा हो गए के भूत रहते थे तो वो मक्को तरह भाई कर दे और भूत हो जाए ना हो बाप भूखा बैठो उल्लू तो भाई तरह भाई आए वो बाने के पंख फड़फड़ाए अच्छा रन आओ अला नहीं डर वो बाने करी हूँ वो रोड़ो चलोगा बच गए घरे आओ बुखार चलेगा। अरे तो अपने जैसे विचार होते हैं कोई सपना आता रात में, प्रेमी का सपना होगा तो प्रेमी सपने में आएगा, और दुश्मन का सपना होगा तो दुश्मन सपने में आएगा। जैसे हमारे विचार चलते
तो यह विश्वामित्री महाराज ये करते हैं तब तो प्रथम भगत संतन कर संगा तो संत लोग कथा कहते हैं भोजन करेंगे तो सत्संग जरूर कराएंगे और सत्संग करो तो वही बात अपने दिमाग में गूंजेगी तो भगवान ही के सपने आए तीरथ के सपने आए अखिल सपने आएंगे। तो ऐसे महाराज विश्वामित्र जी ने कथाएं सुनाई। अब रात से सवेरे जैसे रात राम जी ने गुरु जी की सेवा करी गुरु पद पदम पलोट प्रीते और ये भगवान है पर गुरु गुरु की सेवा कर रहे हैं यही तो परंपरा है। जब संसार में आए तो गुरु को सम्मान देना चाहिए तो गुरु की सेवा करते और गुरु जी कहते जाओ राम सो जाओ जाओ राम सो जाओ। तब राम आए लेट गए तो लक्ष्मण जी राम जी के घोड़े दबान लगे वे राम जी कहे भैया सो जाओ बहुत रात हो गई सो जाओ। लक्ष्मण जी नहीं सोते और लक्ष्मण जी लौट गए पर रहे और जैसे परे तो विचार धारा में डूबे थे और उतने ही में सवेरो तुम मुर्गा बोलो उठे लखन निस विगत सुन अरुण सिखा थुन कान और गुरु ते पहले जगत पथ जागे राम सुजान। पहले जगना चाहिए जो नहीं के पहले तो गुरु उठ जाए मम्मी उठ जाए और तब हम जगे पापा उठ जाए नहीं इनसे पहले जगो अपन को जगना चाहिए जो जल्दी जगते हैं जिनका दिमाग फ्रेश रहता और जिनके जल्दी नहीं जगन तो वो मजे जग रहे और फिर चाय को कह रहे और उसे ही मैं चाय पी लई दिमाग का तो भूल रहा हूँ क्या काम कर रहे हो क्या पढ़ाई में मन लग रहा हूँ। तो कहा राम जी पहले जगे गुरु जी से पहले और लक्ष्मण जी से पहले लक्ष्मण जी जगे राम जी से पहले तो छोटे को सबसे पहला जागना चाहिए। अब जगत है तो वो छोटो जगत वो नेक को जो ओली में तो वो हैरान और करत काम और नहीं करते वो जगत वे नहीं जगत जो चार काम उठा ले वे नहीं जग पा रहे जल्दी। तो राम जी जैसे जगे तो पहले सोच क्रिया स्नान करे और फिर गुरु जी को स्नान कराया फिर गुरु जी से बोले गुरु महाराज गुरु जी महाराज की जब पूजा हो गई पूजा होने के बाद में बोले राम जी के लक्ष्मण जी रात भर नहीं सोए का होगा कछु होगा फिरा रहा के फिरा नहीं रहा के तो एक जो कह रहे के दिन जनकपुर देखो नहीं यार सो कहूं देखवा लिया हो भाई साहब सो हमने कही गुरु जी से तुम्हें कह दो सो कही क्या लक्ष्मण जी नहीं कह रहे प्रभु संकोच डर प्रकट न कही आप संकोची है लक्ष्मण के कहूं ना ही करते ही गुरु जी ने तो हमें गुस्सा ना आ जाए ताते हम नहीं पूछ रहे तुम्हें पूछो। राम जी ने पूछी तो गुरु महाराज ने कहा जाय देखे आप हो नगर सुख निदान दूंगा करो नैन सबकी सफल सुंदर बदन दिखाए। राम लक्ष्मण दोई चले नगर अवलोकन के लाने चले और जैसे अवलोकन के लाने आए तो जनकपुर के दरवाजे पे आ गए नगर के दरवाजे पे और जैसे दरवाजे पर आए तब वहां नगर में पतों पर देख देख कर नगर
घना नगरे ऊपर ज्योति आए समाचार पुर लगन के साथ में आए तो भी नगर देखने को आ रहे हैं। आ है दरवाजे पे खड़े और इतनी खबर जनकपुर में पड़ी चल पड़े ऐसे धाए धाम काम सब त्यागी आए मन और रंग के निधन लूटन लागी आए सब जोर परे दाए निज निज काज बिचारी अपने अपने काम को छोड़ करके दौर परे जो जा काम को कर रहे थे लड़का आ गए है छोटे छोटे लड़का आ गए और राम जी से बोले हाथ ऊपर कंधा पे धर के चलो नगर हम देखे तुम्हें हम अपनों घर देखे चलो चल रहे चलो हमें संगे ले हम तुम्हें सब दिखाएंगे कहां-कहां राजा लोग आए हैं स्वयंवर के हम तुम्हें धनुष दिखाएंगे जो धनुष रखा है स्वयंवर का हम सब तुम्हें दिखाएंगे चलो। और जैसे बालक लोग मेरे कामदेव ने कहा जो संसार में आता है उसे हम नचा देंगे तो कामदेव ना काम बहनो कामदेव आकर के जनकपुर में बंधन बारे बंधे थे बंदे रुचिर बहु बंधन बारे और मन हो पाक रिपुंद समारे वहां जो बंधन बार बंधे थे ऐसे लग रहा हो कामदेव ने जाल बिछादा होए और राम जी लक्ष्मण जी और कई समय पे जवान स्त्रियन की आंखें पे बैठो काम और जैसे ही वे जवान स्त्रियां बूढ़ी पुरानी तो आ गई बाहर वो पंगे कलर जाए तो बिन्न रोक दें तुम नहीं अटाई में पहुंचो तो जैसे कोनो जोन की अटाई लिखती हो गई गेल की बाटाई में पहुंचो तो झरो कल से देख लीजो उठे नहीं कड़ने अब राजा लोग आए सबने बीच गली में पहुंच गए नहीं अटाई में पहुंचो सुबह अटाई में पहुंचो तो जुबती भवन झरो करने लागी जुबती भवन झरो करने लागी राम रूप अनुरागी अब तो जवान स्त्रियां वही से राम के रूप को निरख रही गोसाई जी ने लगा के भाव लिखे निरखना देखना विलोकना विलोकना जो गहरे रहस्य को समझ ले विलोकना कृपा दृष्टि और देखना ब्रह्म में पड़ा जब देख यार बंद कही तो हमारी बैठा देख रहे जो कर जाओ फिर आ गए कि फलाने की तलजा में दिखा दी फिर किस को मैं जब चांद तुम्हारी हो जा काव की हथी
देखना और निरखना, निरखना एक एक चीज देखना। सफेद पेंट पहने तो, लीली पोस्कट पहने तो, सांवरो हतो, नाक पे तिल हतो, का कहते निरखना, देख निरखना। निरख है राम रूप अनुरागी, राम को निरखने लगे। अब राम ना देखे ऊपर, अब एक सखी के लगी पर सामरो जानकी जो, ये सामरो लड़का जा रहा हो जो जानकी के जोग है, अपनी जानकी के जोग। लक्ष्मण जी बोले हमने ऊपर को देख ले भाई साहब, अरे भले नहीं तुम्हें पता होना चाहिए। अब कौन के संगे आए, अपन अयोध्या में थोड़ी जनकपुर में है, ऊपर को नेगा नहीं करने ने को करे। तो लक्ष्मण जी ने कौन करे, अब तक तो एक बोली तुम खाए के रही है थी के ये जो जानकी जी के जोग है। बोले हमें ऐसे लग रही कैसे कि जो अगर रिश्तेदारी बन जाए तो कबहू ये आए यह नाते, सखी को आरत अति तात है। हमें जैसे लग रही कि जे रिश्तेदारी हो जाए तो आए, रिश्तेदार आ जाए अच्छो तो जो कल धूपा आ जाए उठो तो बढ़िया गाँव और आज हो जाएगी। और लड़त मिलत हो गए तो तुम्हें क्या जा रहा है कहीं आओ आओ जाओ जाओ, तुमसे प्रेम ही नहीं है, तुमने कोई बात नहीं है। तेने कही जाते हमें कि ये रिश्तेदार आए तो इन्हें देखेंगे हम। अब तुम एक बोली तो मैंने जाना था, जाना था बोले जाना था, तुम तो इनकी कह रहे हैं हम इनके बाप को सुनना जाना। ये दशरथ पुत्र है, सुन सकी दास सुमित, ये कौन से लियार पुत्र, ये राम कौन है, कौशल्या की लड़का, ये धनुष ले और हाथ में बाण ले, ये कौशल्या की लड़का है। और जो पीछे है कौन गोरो, बोले जो गोरो है लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, और सखी दास सुमित, सुन सखी दास सुमित्रा माता, सखी जाकी मताई दूसरी है, बाप तो ये कही है मताई दूसरी। कहता भाई गोरो है और जो सुनो है, हाँ तब भाई मैं चल ये कर। अब लक्ष्मण जी ने कही कि ज्यादा नजदीक है वो, ए तो बाप मताई की नाव जान रहा ने देख ले में। राम जी बोले नगा तो ऊपर कर नहीं नहीं है, चाहे थी बात है उतर चलो लड़का बारे दिखाओ क्या रहे, जो हमारे घर है जो रंगमंच है जो पूरब दशा की और रंगमंच है। ए राजा लोग गाड़गी नदी के किनारे सब अपने अपने तंबू ताने हैं, देखिए सब राजा लोग यहाँ आए हैं, बड़े बड़े वीर आए हैं। और जैसे जा रहे हैं तब तक एक बोली सखी के जो कहो ये राजा प्रण तोड़ दे में, और जब राम जो लड़का सांवरो है में तो बहुत अच्छी बात है। एक बे बोली रानी हे सखी, सखी परंतु पन राव नत जही, हट बस सब अब बेक भजही। ज्ञानी आदमी अटीलो भाई, जो लगन हमारी बात खराब ना हो जाए तो 50,000 का संसद कर। तो कब राजा ज्ञानी है, अकेले टेक नहीं छोड़ सका, तो बिन तृण नहीं छोड़ेंगे सखी, तो धनस भी नहीं टूट सका। चिंतन का धनस टूट के थे लरम धरी, अरे ऐसे है ये नहीं धनस चोर हुए, तो बिटिया के ब्याह को सपनों का कौन देख रहे। तो एक बोली रानी तुम्हें पता नहीं है
मंत परम लघु जात बस हरिहर बस सूरज रब मंडल देखत लग लागा उदय तन तनु भागा तीनों लोग का अंधकार दूर करने वाले कितने छोटो सूरज दिखाऊ थे यहाँ मैंने दिखाऊ तो कई ऐसा पागल भी हो जाओ तुम सोती रहे बिन सिर्फ धन तोरे और ये सखी तीत तजाओ जन भोरे पागलपन में जो विश्वास नहीं खोले के धनस नहीं तोड़ रहे यही तोड़ेंगे जैसे नगर अवलोकन करते भाई राम जी जब आए और बाल कच्छप संग में आए तो उन्होंने कहा बाल कच्छे जबरदस्ती भैया तुम तो अपने अपने घरे जाओ और हम फिर मिलेंगे हमारे गुरु जी नाराज हो जाएंगे कैसे लड़कन में फिर रहे थे तुम तो जाते हम गुरु जी के पास जाए गुरु जी ने जैसे आए गुरु जी को नगर अवलोकन करने के बाद नमस्कार करके बैठ गए और अब जो ही बात गूंज रही कि जनकपुर में जो अटारी पे बैठी थी बहुएं उनने फूल बरसाए थे तो जो ही बात गुन रहे के अगर तुम्हें जैके लाने आए हो कि जिनको स्वयंवर उठने देखने हो तो ये पुष्प बात काम में मिल सकती है तो जहाँ अब वो समय की प्रतीक्षा करने लगे और गुरु जी से कहा महाराज जनक जी के बगीचा तो सुन रहे यहाँ बसंत ऋतु रहती है जनक जी के यहाँ बगीचा में तो फूल अच्छे अच्छे मिलेंगे तो महाराज पूजा के लाने भाई बगीचा से ले आए फूल अच्छा तो वो समय की प्रतीक्षा करें समय जाने गुरु आयो तो पाए समय जाने गुरु आयो तो पाए लेन बदून चले दो आए समय जाना दोनों भैया चले ओ भाई मेरे जानकी जी को महारानी सुनैना जी ने भेजा सखियों के साथ में जाओ गिरजा की पूजा कर आओ और आज जब है स्वयंवर शुरू होने वाला है माता जी से पूजन करो और माता जी को आशीर्वाद लो कि हमारा अच्छो भाग रहे कोई ये तो न तोड़े के हम जिंदगी भर उठाई रहे जाते माता से आशीर्वाद ले आओ तो बड़ी समय पे जानकी जी आए और सखियां गाती वही निकली राम जी ने कहा लक्ष्मण चलो अपनो टेम हो गो
समय जान गुरु आयो सपाई गुरु आयो सपाई चले दो राम जी लक्ष्मण जी दो जने चले तो फिर अब एक जो भी अपन को करना चाहिए बच्चन को सिखाना चाहिए चोरी से ना ले आओ कछु चाहे भूल ही ले आओ तो पूछ के ले आओ जो नहीं के काल को मिल जाए तो दे दो झपट्टा तू ले आओ नहीं जो राम जी सीखे ही नहीं है पहले चारों तरफ को देखो कौन रखवारों तो होंगे जब देखा तो वहां माली दिखाई दिया चौंते पूछ माली का माली से कंस पूछा भैया हमें फूल लेने गुरु जी की पूजा के लाने मैंने कहा फूल लेना इसमें जा नहीं सकते हो क्यों कहीं ये जनाना बाल है तो बोले हम तो लड़का है छोटे छोटे लड़कन की जो कठिन नहीं है छूटे तो चाहे ना जा सका तो उन्होंने कहा हम तुम्हें टूर के दे दे बोले नहीं हम गुरु जी के सेवा में हैं अपने हाथ फूल तोड़ेंगे तब जब माली ने कहा अच्छा ले लो कोई गली मत तोड़ना जहाँ ले लो फूल ले लो लगे लेन दल तो जीदल और फूल मुदित मन और फूल लेने लगे और प्रसन्न मन से ले रहे और कलियां पछता रहे कि हम को खिले होते तो हम टूट जाते और इनके हाथ में पहुंच जाते तो लक्ष्मण जी ने कली कली पूरी तोड़ ले और एक कांच की कुसा में पोके और राम जी के जूरे में बांध दई और एक में लगा मोर को पंखा सिर्फ वो गुच्छ दो मुड़ी में मोर पंख सिर सोहत नीचे वो गुच्छा बिच बिच को समुखा लीके तो जितने राम जी का श्रृंगार कर दिया और तुम फूल ले जाओगे तो गुरु जी अपने भगवान को चढ़ाएंगे और इतने सीता जी आई तो सखी सहित मंजन करती है पूजा तीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग पर मांगा बोली माता जी हमारो पति हमें कैसो मिले ऐसो ही पूरो नारो ऐसी उम्र को ऐसो ही हो निज अनुरूप ऐसो ही हमारे कैसो परिवार हो गए भगत तो निज अनुरूप सुभग बर मांगा वरदान मांगा तीन तरह की पूजा हो एक मानसिक पूजा एक अनुरागी पूजा जो अनुरागी पूजा हो देवतानो अकेले में रो लो केलो मन की बात देवता से जो अनुरागी पूजा सामाजिक पूजा पंडित जी को लेके बैठा रहो फिर विधिवत पूजा होती है और मानसिक पूजा अपनो कछु है ही नहीं है जब है ही नहीं है तो मन ही मन से कर लो पूजा भगवान हम तो माया स्नान करा रहे हैं एक सेठ जी अटे तो मानसिक पूजा कर रहे थे सुमित ने कही भगवान को दूध को भोग लगा दे और शक्कर सो डाल सुबह में जैसे ही वो चक्कर
प्यारी मन ही मन में वो भावे से ने ज्यादा सी चली गई। सुशील जी ने कही भल्ले आवे कौन गल गई। सुशील जी मन ही मन में चम्मच डाल रही। भगवान प्रसन्न हो गए कह रहे ए जामे का लग रहा ना तो कछु सामग्री ए मनम से नहीं कर पा रहा तो कभी करेगा। तो जी ये मानसिक पूजा तो अनुरागी पूजा जानकी जी कहती है। और एक सखी को भेजा फूल तोड़ने के लाने। एक सखी सिया संग बिहाई एक सखी बिहाई मेरी सखी जानकी के झोंक है और इतनी बेबल हो गई कि बाग बार छूट गए जेल छूट गई जेल में नहीं टिक रही फूलन की कियारियन में फिर रही फूदा और सखियन ने देखी कि जाए का होगा ये पागल हो गई का होगा का होगा काव ने कई भूत लगा होगे है भूत नहीं ये बोली भूत काय का लगा होगे तो मस्तानी फिर रही एक बोली नहीं लोखड़िया नाग कही सो लोखड़िया नाग ले तो इसकी इधर और वो गुनगुना चल जा रही का कह रही बागनो सखी भोरा बनावे बागनो Oh.
Oh,
बोली कैसी है सखी बोली बता तो दे इसी पत्थर से समझाओ इसी पत्थर से समझाओ पत्थर से एक नहीं पाओ चलो तो तुम्हें दिखाओ बता तो दे तो वो बोली के एक बात है एक काम करो उनकी उनकी सब कैसे कहूं बेना बेनन के तो है नहीं नैना नैना बिल्कुल है बिन देना अब हम कैसे कहे जब जीप में आंखें होती तो कच्चा थी आखिर में कम जीव होती तो देखा जाती और कट जाती अरे कर तो फिर समझा कैसे समझा रही वो बोली हम समझाए कहो सब्जी बनाओ चल पागल हो गई जो तो कहा जीव आखिर में लगा रही और आखिर में जीव लगा रही और जो सब्जी बना रही वो बोली हम समझा रहे तुम आओ कट जाओ बोले सब्जी बनाओ तो बोली आओ फिर नोन डाल दो डिंगरिया कही आओ फिर सब्जी बन जाए फिर आओ और फिर डिंगरिया डाल दो बोली कहे वो सब्जी में तो बेटो बई में घुर जाती तो वो बोली के जो ही हाल हमारे होगा हृदय मिल गए जब मिल तनो अनताग में ये से सोना हो तुआ में और जैसी जे सखी जैसे गई और राम जी ने ये रोलो कंकन किंकन कंकन किंकन नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम राम जी ने दी में सुनो लक्ष्मण जी बोले का है तो राम जी बोले मानो मदन दुंद बीती नी और मन सा बिस बिजय की कीनी मानो कामदेव नंगाले बजा रहा हो तो लक्ष्मण जी बोले का करिए राम जी बोले दुख देंगे तो दो ही जने बेले छाई थी भूलन की तो बिनई में डूब गए अब इतने से गई वो सखी लुभा के सभी बोली सब सखी काय खाए ये अजय भूल को रह गए फिर खा गए कद हसी में समा गए वो बोली भूत तो नहीं थी कहूँ भूत हो है भूत होंगे तो भूतन के कौन गोरे हो तो अगर भूत नहीं गया तो पाँव होंगे जरूर तो माने ने थे वो धरती मिलवा देखो सो लता की लता ओट जब सखन लखाए पाँव देखो दो के बे दो देखो बे
लखा लता ओट जब सखने लखाए और बौक छोर तब भात सुहाए लता भवन ते प्रगट भये राम लखन गो उठाए। दोनों प्रगट हो जाते हैं और जैसी जानकी जी ने अपनी दृष्टि करी तो राम नैनन मग उर रामाय आनी तो दीने पलट कपाट सयानी। जानकी जी ने अपने हृदय में बैठा ली थी राम जी के लाने और फिर आंखें बंद कर ढाणी। चतुर सखी बोली चतुर सखी चतुर आदमी ऐसे कर के आई जो हटी तुम देखने के लाने वो आंखें बंद कर ढाणी। कहे कि ये हमारी सहेली बहुत गोरा को ध्यान करती है बहुत गौर कर ध्यान कर देख करके जानकी जी ने कहा सखिया कारे कमल के फूल तोड़ लो। कारे कमल के फूल तोड़े और कुशा में माला बनाई और माला बना करके जब चलती है यहाँ कहा माता जी नाराज हो जाएंगी। राम जी कह रहे गुरु जी नाराज हो जाए ज्यादा देर तक करिए भैया चलो चलना है काल फिरा फूल तोड़ तो कहो जिन्हें आने हो तो काल भी आ जाए। ऐसे ले करके जब राम जी चलते हैं तो सीता जी कभी पंखी के बहाने कभी मिर्गा के बहाने राम जी को लौट लौट कर देखती हैं और जैसे लौट करके आई और भवानी के मंदिर में गई तो जा करके भवानी के लिए वो कारे कमल की माला लेके गई और कहने लगी जय हरी जय जगन शंकर जी बोली कोई है वो कह रहा हूँ गिरीवर वो बोली पार्वती जी जनक किशोरी
जय जय गिरवर राज किशोरी बोली बेबोली बोई हार होगा जय महेश चंद सकोरी। जैसे तुम शंकर जी के मुंह देखती ऐसे हम सोम बसा ले आए और मांग गए थे वरदान के हमें कैसो मिले अकेले अब मन में बस गाऊं सांवरो जो कारण जो कारे कमल की माला आपको संकेत दे रही आप भाव भाव संसार को पैदा करने वाली और भगवान शिव की पत्नी और संसार को नष्ट करने वाली माता कभी बोली आप तो अमृत प्रभाव वेद नहीं जाना तुम्हें तो वेद ने भी नहीं जाना है आप सुवस बिहारणी तुम धरती से निकली तुम भी किसी के नहीं भई हो बिने प्रेम बस भई भवानी ओ खसी माल अब माल हाथ से छूट गई खसी माल मूरत मुस्कानी बोले सोई आशीर्वाद दे दो मन जाए राचो माता बोली हम तुम्हारे मन को पढ़ लो मन पढ़ लो कछु किए गई ओ वाणी से मन में मन जाए राचो मिले कोई बन और सहज सुंदर शाम रो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राम रो वही पति मिलेगा तुम्हारे जो अब हम तुम्हें वो आशीर्वाद दे रहे बेटी तुम बेर बेर बदल रही अभियान किया गई थी हमें कैसो हो लड़का वो अब ही आ गई सांवरो फूल लेके तो हम ऐसो आशीर्वाद दे रहे तुम्हारे लाने सुन सी अच्छा असी से हमारी सुन सी अच्छा सच्चा आशीर्वाद है सीता तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो और राम लक्ष्मण जैसे गए है राम कहा सब कौन सुख पाई और सरल स्वभाव छुगे चल नहीं राम जी ने सब बातें कह दई कोई बात गुरु से नहीं छिपाई क्योंकि होए की विमल विवेक और गुरु सन किए दुराव गुरु से छिपाव नहीं रखना चाहिए राम जी ने सारी बातें कह दई और गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं सुफल मनोरथ होए तुम्हारे राम लखन सुन भई सुखारे आशीर्वाद मिला यहाँ जब सवेरा होते ही जब जहाँ विश्वामित्र जी के लाने जनक जी ने मंच का अवलोकन कराया महाराज जो रंग मंच है यहाँ सब के राजा लोग आए हैं महाराज यहाँ पर इस मंच पर सभी उतरेंगे ये रचना कैसी है विश्वामित्र ने कही बहुत बढ़िया रचना का पूछने कहा महाराज आप यहीं बैठो सब मंचन से मंच एक सुंदर विशद विशाल मुन समेत बंधुवर बैठा रे महिपाल राजा ने दोनों भैयन को और विश्वामित्र जी को वहां बैठा रे तो विरोध करने वाले को तो लगो ये कौन से बलवान है से लड़का इन्हें अच्छी मंच से अरे नहीं महामुनि है भी महामुनि इनके बराबर को कोई नहीं है संसार भर में इनके संग बैठे थे इनके चेला है बैठने दो तो जहाँ बैठे तो भगवान कई तरह से दिखाने जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तन तैसी जैसा जैसी जाकी भावना ऐसे ही भगवान की मूर्ति सब दिखाई गई सबने नमस्कार किया और उसी समय पता लगा जनकपुर बारन को
जनक परिवार का बोले रंग भूमि आए दो भाई ऐसी खबर लगी कि रंग भूमि में अपन कह रहे थे कि ये कर टूर भी तो पहले भी थी अब गोगई नहीं आए राजा लोग ये पहले आन बैठे आज इतनी खबर लगी जनकपुर वासियों को सुधाए निज निज काज बिसारी सबसे पहले को आए बाल कभी लड़का गए दे सके सबे बाल फिर जवान जवान ने गई चलो बच्चे धरसिया के सिर हो बीमार है देखे आए कौन को बड़ाई कर रहे बाल जवान और जरठ नर नारी फिर बूढ़े आ गए और जैसे आए राम की तरफ खुद देखो सब ने राम राम देख सब भये सुखारे राम देख सब भये सुखारे राम देख सब भये सुखारे राम कौन देखे सबने एक टक नहीं आ लगा रहे गए सबरे पलक नहीं फरक रहे सब देख रहे बोले काय भैया काय देख रहे बोले जो देख रहे हम कि ये आए कैसे कैसे आए हमें तो जो लग रही कि ये लड़का कोई विश्वामित्र के संग आए और तो इन्हीं के संग हो जाए भी आओ तो प्रण ना छोड़ प्रण छोड़ दो अरे प्रण करे बैठे दे सुबह बोले काय भैया जनता जनार्दन जनता को छोड़ के राजा ने प्रण करो तुम में से का उसे पूछी बोले नहीं पूछी काय मंत्री मंडल आपसे पूछी के हम प्रण कर रहे वे बोले नहीं पूछी महारानी हे रनवास से आवाज आवे तो महारानी जी से पूछी सो उठे से हाथ हला दो ये नहीं पूछी अच्छा नहीं पूछी सेठ साहूकार तुमसे पूछी बोले नहीं पूछी तो कहीं एक काम हो जाए राजा ने अपने आप प्रण करो तो एक जनता की मांग है सभी लोग हमारे संग में हो कि सब है तो वो दिन विचार दिन विचार प्रण दे राम कर करे विवाह जब बिना बेचारे प्रण करता तो बिना बेचारे प्रण तोड़ दे और सीता और राम जी को ब्याह कर दे सुन अस अपर भूप कहे बानी ये अब देख अंत अब मानी कछु राजन ने सुनी जो बात हिना की जनता का कह रही कहीं प्रण छोड़ दो और जो राम के संग ब्याह कर बोले ऐसा नहीं हो रहा भैया
तोरे घनत और ब्याह अब कहा तो बिन तोरे को उमर ब्याह। अगर ब्याह यथन हो रहा सबने जो ही खबर आती के धनस तोरे पे उगे ब्याह तो धनस बिना तोरे ब्याह हो जाए नहीं एक बार कालम के न होई और सही है तो समर जिताओ में सोई एक बार काल क्यों नहीं आ जाए तो मैं उसको भी पीटने भी छसकला कर सीता के पीछे सुन अथ अपर भूप मुस्काने कछु और बैठे थे सुबह मुस्काने सुबह बोले तुम कैसे मुस्कान है वे बोले हम जो मुस्कान है कि तुम जाना ही नहीं रहे ये कौन है भगवान के भगत ये मुस्कियाने इन्हें कहीं तुम अब देखा ही नहीं रहे तुम जानते ही नहीं है हम ये तुमसे ऐसी बात करे पते अगर हमारी सुन लो इन्हें कहीं सुनाओ सुनाओ बोले एक बात है जनकपुर वासंदर पूछो कि जो बेटी कैसी है जनकपुर बारे बोले हमारी बेटी साक्षात जगदम्मा है जगदम्मा हमारी बेटी कहाँ है धरती से कड़ी हो तो साक्षात जगदम्मा सभी राजा बोले जोन मुस्कियाने थे बोले हमारी बात सुन लो सिखे हमारे सुन परम पुनीता हमारे बोले हमारी पवित्र वाणी सुनो जगदम्मा जानो हमारी बिटिया का जगदम्मा सीता कौन जगदम्मा है सीता वे बोले हमको टोर है नाना बोले तुम्हें नहीं जान रहा है ये कोई लड़का लग रहा है तुम्हें ये तुम्हारे बाप बैठे हाँ जगत पिता रख पता बिचारी और भर लोचन सब ले वो निहारी ये तुम्हारे पिता है और जगत की माता जो मेरी बेटी है इसलिए प्रण को तोड़ के और ब्याह कर दो और का ब्याह नहीं हो सका बे बोले ब्याह हो जाए और जनक जी ने कही हल्ला मत गाओ भैया समाज बिखर गाओ ये लड़ाई ना हो जाए फिर तो जनक जी महाराज ने पवित्र सेवक मिला है जय देखा जनक वीर भाई भारे देखा जनक वीर भाई भारे देखा जनक वीर भाई भारे जनक जी ने देखो भीड़ हो गई कर रही अब कौन है बुलाए पवित्र सेवक दो तरह के सेवक हो कछु ऐसे सेवक हो के लड़ाई करवा दे पहले डबला पर से जाते ने पांच देने में वो कावरे ने ज्यादा छोड़ा चढ़कल करी जो फटक रहा है भाई के मूड़ी पे तने के ये बुआ थे के पवित्र सेवक नहीं है पवित्र सेवक दे हो एक दूसरे को दुनिया बढ़ा दे और नहीं कछु तो चौदह चौदह धल्ले झूला और वो मिले चाहे ना मिले सुध सेवक सब लिए आकारी
पवित्र सेवक कैसे हो, ऐसे हो आए हुआ। देखो अब पवित्र सेवक का कर रहे, पवित्र सेवक कैसे बोलत, तिन कर विनय, तिन कर विनय सकले ते जारे, मधुर मनोहर बजाने उजारे। विनती करी भैया हो, काय को शोरगुल कर रहे, अरे शोरगुल ना करो, कब ने कही वो ब्याह हो रहा, शोरगुल ना करे। बोले नहीं जनक जी की इस मुंह से तो सुनो, जनक जी क्या कह रहे हैं। तब जनक जी महाराज ने बंदी जन बुलाए, तब बंदी जन जनक बुलाए, तो वृंदावली कहे चले आए। आज वृंदावली को कहते कहते वहां बंदी जन आए, और बंदी जनों ने मंच पे आकर के बोले, बंदी बिरद पर सुनो सकल मैं बोले, बंदी बिरद पर सुनो सकल मैं सुनो सकल महिपाल, मैं प्रण कहूं विधि कर, मैं प्रण कहने के लिए आया हूं। वो प्रण क्या है, वो प्रण है नृप भोज बल विधु शिव धन राहु, और गरे बहोर विदित सब काऊ। ये शंकर जी का धनुष जो है राहु के समान है। हे राजाओं, तुम्हारे हाथों का बल एक चंद्रमा के समान है, और राहु चंद्रमा को कहा जाता है। तो एक एक बात और है, रावण मान महाभटभारे देख सरासन गवाए सिधारे। रावण बाण ये सबसे बड़ा सुर, सबसे बड़ा योद्धा है, ये भी धनुष को देख करके चले गए। इनने उठाओ नैया सोई पुरार को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा। आज राजाओं के समाज में जो भी इस धनुष को तोड़ देगा, त्रिभुवन जय प्रमाण पत्र मिलेगा, तीनों लोगों का विजेता माना जाएगा, और समेत वैदेही और जानकी जी को विवाह कर देंगे। और विनय विचार परे हट के ही आज इतना सुना, और देर में लगी पर कर बांध उठी अगलाई, चली पल्ली जैसे नाल उठाते तो सबसे पहले हाथ बांध के ढाड़े हो जाते। आज धनुष उठावे के लाने कर या बांध के तैयार हो गए, और चले न इष्ट देव सरनाई, और जल्दी जल्दी में इष्ट देव सबके हो अलग अलग, काउ के कोनो देवता, काउ के कोनो देवता, सो अपने अपने देवतन को समर के जाओ बब्बा।
तुम्हारे भरोसे है आज समाज में लाज रखने हैं। जहां और चले गए उठा देखो क्या कर रहे हैं। तमक ऊने बेल तमक ताक ताक रहे देख रहे ताकना है निशाना मान तमक ताक तक सिम धन धरई उठे न कोट भाट बल करई। कैसो हाल होगा बोले जागाए न सबो सनातन के जगाए नो पार्वती ने आशीर्वाद दे रहा था कह सुन सी संत अतीत हमारी पूजे मन कामना तुम्हारी। तो यहाँ शंकर जी से पार्वती जी ने कही धनस को पकड़ ली क्यों अच्छे नहीं हमारी आशीर्वाद बेकार चल हो जाए। तो डगे न सब तो जब शंकर जी नहीं डिग रहे तो सरासन कैसे सरासन कैसे डगे कैसे बोले कामी वचन सती मन जैसे कामी सोचो बातें करत कामना जागर तो हो देखो अकेले सती को मन नहीं डिगर। जैसे लंका में रावण सीता जी से साम दाम भय भेद तीनों चारों तरह से समझा रहा हूं और जानकी जी के मुंह से कड़ी तब बोझ कड़ी सर ये झुके से बोल रही हम तो जाए पटरानी बना रहे जो कह रही सट बोले सट सुने हरियाणा मोही अधम बीज अधम निलज लाज नहीं तो ही तो शरण तो है नहीं क्या ऐ बार बार लगा के देखो तो डगे न संभू तो सनातन कहते हैं और कामी वचन सती मन जैसे आए यहाँ। जब सब राजा उठाने लगे और जब उठावे लगे तो उठ ही नहीं रहो तो जब हार गए और जा करके अपने अपने समाज में बैठ गए। जब आदमी हार जा तो समाज को संग पकड़ा और नहीं नहीं हारे दोनों को कब्जे नहीं पूछे समाज को न बनियान को और जब हार जाए फिर देखो समाज में जाए बचने के हो जाए काउंटी लग जाए कैसे लग जाए हो जाए तय करते थे। अब समाज में बैठे जनक जी ने कही अब तो उम्मीदवार नहीं दिखा रहा काय को नहीं जा रहा था ना सुनो अब नहीं क्या सही एक बात हो कि मानी आदमी अलग हो वे हर काम मान से कर क्या जनन संघ का पंगत ये लो भैया ये लो कहे का जी ले कहे हम समी के संगे जी और समी ने पूछ नहीं पाए तो बोले रिश्तेदारी और टूटत कर रही। तो जनक जी बोले वो मानी बैठो हो के बात जो कह के श्रीमान जी तुम ढोल दो मानी तो मैं को तो जनक जी बोल पड़े अब को नहीं मां हे भटमानी अब को नहीं मां हे भटमानी Oh,
पानी मानी बैठे होए तो नहीं कह पाए। हमने जो जाने के कोई भी रह नहीं धरती पर, सोई माँ खेल लखन मानी तो माँ खेल। लक्ष्मण जी की यहाँ भुए टेढ़ी हो गई, वो भैया तरफ कुछ दाने ने हमें आज्ञा मिल जाए। मैं बोल लो बोल का ले, तुम ज्यादा बोल दियो, ज्यादा बोल दियो, फिर का उठो नहीं देने। हम पूछे नहीं बोले और उठे कई बोल है तो कहा हाँ हो जाओ खाली बोल लो। काहे बोले एक बात है अपने वंश में, जहाँ परिवार को ये कहीं देखो हो ता समाज में कौन जो नहीं कह सकत के बीर है को। अरे पुरखा पाटन से बीर रहता है जा समाज में है। तू कर गोबंधन में जय गोबंधन में जय रघुकुल मन जानी। तुमने जब राम जी को परख लिए ब्रह्म कह दिया और फिर भी कोई बात कर रहे कबीर विहीन मही में जानी। राम जी बैठे हैं रघुकुल मणि राम और सब समाज में ऐसे कहते और भैया अब हम खड़े तो हो ही गए, तुम आज्ञा दे दो तो हम इनके लाने बतावे जो तुम्हारे अनुशासन पावो कंदुक ये ब्रह्मांड उठावो। भाई साहब तुम कह दो तो मैं ब्रह्मांड को उठा लू। और राजा बोले का भैया ये जो साथी साथी कह रहा लबरा है जो लबरा कह दो भाई ब्रह्मांड पे ठाड़ो वो कह रहा हूं ब्रह्मांड उठा दो। सोना जाओ सुन भी मैं कान पे ला रहे बोले काके घट ये बडारो थोरी ओ सको मेर मूलत ये बतोरी। मैं कते गला के समान ब्रह्मांड फोड़ दे कौ कुबेर पर्वत मूला की तरह तोड़ दे। ये वर राजा बोले वो धनत की बात है नहीं कर रहा हूं, कौ सुमेर पर्वत तोड़ रहा हूं कौ ब्रह्मांड फोड़ रहा हूं। तब तक लक्ष्मण जी बोले कमल नाल ये चाप चढ़ावो और जो जन सच प्रमाण ले दावो। मैं कमल दंडी के समान धनुष को चढ़ा सकता हूँ, चार से गोद की दौड़ लगा सकता हूँ। मैं सौ योजन चार से गोद की दौड़ इतनी हम लगा सकते हैं। फिर राम जी तुम्हारे चंदन की सौगन हमें कछु नहीं करने। लखन सकोप जब भी कह रहे थे लबरा है लखन सकोप और बचन जब बोले सो जगमगाई मही दिग्गज डोले। जब लक्ष्मण जी बोले तो धरती कप गई और राजा कुर्सी पे से टेबल के तरह आ गए। ये बोले जा को छोटो भैया ये तो बोला कि हम कहाँ आ गए, वो बड़ो भाई साहब को बैठो ही को जाने का करे टूट रहा बिल्कुल टूटेगा। आ जाए के ता जाए राम जी ने जा लक्ष्मण जी के चैनन रघुबर लखन निभारी। भैया तुम बोल रहे कि हम तोड़ दे वो को तोड़ दे तो हाय जो अंदर बची जान की इनको का
तुम्हारा होके बयाओ तो फिर तो सुबह रघुवर सैनन लखन निवारे और प्रीत समेत टिकट बैठारे बैठ जाओ यही बैठ जाओ कठिन करो को कह रहा हूँ ना हम टूर रहे ना तुम टूर रहे तमा को देखना आए जो देख लेंगे और इतने अब सुन सद गई अब को नहीं टूर में को फर्क कराओ और जब टूर में को नहीं फर्क हो तो हम मेला मंडल में दो दो जनकपुर को सुबिन ने देखी काय को टूर रहे के को नहीं टूर रहे तो सुबह कल लगी जिनकी जात न जानी जाए जनकपुर आ गए काते जतिया जिनकी जात न जानी जाए जनकपुर आ गए काते जतिया देश देश के रूपत आए देश देश के रूपत आए अपनों अपनों पद सिखलाए नवर दनत जगान पाए नवर दनत जगान पाए कहते सभी लोग कहते नार जनकपुर चलो
और विश्वामित्र जी जान गए कि राहु की दशा गई, और राहु की दशा गई तो विश्वामित्र समय तो बजानी विश्वामित्र समय और क्या बोले अरदी जाना के को तो चमक बोले समय जाना सुनने का उठाओ राम बन जाओ भव जाओ मैं तो ताप जनक प्रताप प्रताप मन छिपी भई आग जैसे कुमार के आवा की आग ऊपर नहीं दिखा भीतर भीतर चला और ऐसे ही को आदमी बर्तन ऊपर नहीं दिखा रहा और भीतर भीतर जल रहा तो कह जनक जी महाराज के जलन बैठ गई के बिना विचारे प्रण कर दिया वो बेटी कुंवारी रह गई ऐसा पिता का कर्तव्य है जनक का सोच बैठो उठो राम से राम ऐसे ठाड़े हो गए जैसे इनके हाथ आई की हुई ठाड़े भाई उठो सहज सुभाई और थबा जबा मृगराज लजाए जैसे शेर को बच्चा ठाओ फिर एड़िया फिर गुरु को प्रणाम करी बदे हाँ आप तुम्हें क्या है मैं क्या करूं कि जाओ राम जनक का सोच मिटाइए जनक के भीतर जो अग्नि जल रही है प्रताप उसको नष्ट कर दो जनक जनक के अंदर शीतलता आ जाए ऐसा करो। और राम जी ने सब ब्राह्मण गण जो संग में आए थे सबको नमस्कार किया और जब सबको नमस्कार करो तो सबने आशीर्वाद दाव जाओ और जैसे राम जी ने निगाह करी जनकपुर वासियों तरफ को हाथ जोड़ ले तुम्हारी सबकी आज्ञा हो जाए तो मैं जाए तब तक रनवास में से आई आवाज पूरी सभा पागल हो गई सकल सभा की मत वही भोरी ये पागल है पूरी सभा जो धनक ये बच्चन के लाने दौ जा रहा हूं समझाए कहे गुरु पाही और यह बालक अत हट भल नाही ऐसे ही इनके गुरु है उन्हें तुम समझा दो गुरु को कि ये लड़का हट के योग नहीं है तुम इन्हें नहीं लगाओ पर यहाँ राम जी के लाने के जे उठा राम जी ने पूरे समाज को हाथ जोड़े सबने कही कि मैंने जो पुण्य करे हो तो मेरे पुण्य जई लड़का के लाने लग जाए जई लड़का को पुण्य लग जाए और जो धनस ऐसे टूट जाए जैसे कमल की डंडी टूटती है तो यह सबके पुण्य अब राम जी ने देखो साधु राजन तरफ को आशीर्वाद देने लगे अरे तुम्हें सफल हो जाओ राम अब और राजन की तरफ देखो तो बोले कहाँ देख रहे
बड़े बड़े नाक रगड़ गए, तुम उठा नहीं जा रहे हो, तुम्हारे कांधे पर। जैसे राम जी धीरे धीरे धनंत की तरफ चले, अब तो उठे क्या हो रहा, तीन रोगी थे जनकपुर में, जनक जी रोगी थे, जलन पर रही थी, और यहाँ जानकी जी की मताई रोगी थी कि किसान की धान सूख रही हो, खेती सूख रही हो, पानी ना तो तुम पानी की आस लग जाए, और जानकी जी रोगी है कि प्यास लग रही, वो प्यासों को मर रहा, वो मरे पे लाश एक तरफ में डाल दो तो क्या काम की है। तो यार तीन रोगी ठीक करने को जानकी जी को राम जी ने देखा, और जैसे राम जी की कैसी निगाह पड़ी, यह बिलोक तक धन कहते, और चेताओ करो लघु ब्याल है जैसे, ऐसे राम जी ने जब परिक्रमा करी तो वहां पुरोए, यहाँ दधीच की हड्डी का है, आप हमारे पुरखा हो, आपको हमारे हाथ से खंडन हो रहा है, तो गुरु प्रणाम नमस्कार करता हूँ। उन्होंने कहा हमारा उद्धार हो जाएगा, राम तोड़िए, और इतने शंकर जी सीता जी का कह रही है, सीता जी के बने कह रही थी, पार्वती ने सीता कह दे में तो उठा जो नहीं ना उठा पाए को, तो यहाँ सीता जी कहती है कि बरदायक बरदायक देवा, आज लगे तो इनकी सेवा, हे गणेश जी हमने तुम्हारी सेवा करी, आज के लाने करी थी, आज हमें अपने पति प्राप्त करने में सहयोग करो, गणेश जी कोई विघ्न बाधा ना आवे, जे तोड़ देवे। धनंत से विनती करी, हे धनंत अब सब चाप गत तोरी, अब तुम भी हरे हो जाओ, धनंत बोलो कि देख हरे हो जाए, बोले तुम तो देख जो, अरे जे फूल तोरन गए थे पसीना आ रहे थे, तो तुम देख जो देख जी उठा दे, वो देख हरे हो जो। फिर जानकी जी ने सबके अंदर भगवान को देखा, सर्वव्यापक परमात्मा को, सही जानकी जी कहने लगी, तो भगवान सकल और माने, तो भगवान सकल और माने, हे भगवान अगर सबके हृदय में तुम्हारा निवास हो गए तो मुझे राम की दासी बना दो। और जहां राम जी ने देखा सीए बिलोक, बिलोक ना कृपा दृष्टि कि ये चाहती है मुझे, तो तकेउ धन कैसे, चेताओ करो लघु ब्याल है जैसे। और जैसे राम जी पहुंचे तो शंकर जी बैठे तैयार, शंकर जी ने धनस्ताओ लेत, राम जी ने लिया लेत चढ़ावत फेंकत गाड़ी, जैसे मैंने कही भैंस ज्यादा नोट टूट रही बांधो गाड़ी रगड़ दई फूटा, तो धनस के देख चढ़ावदा आजान भुज, जांग तक और कन्हा तक रहना चाहिए धनस, और इतना कर दो फेंकत गाड़े, दो ही गोसा एक मिल गई, और एक दो ही गोसा मिले तय धन राम मत धन तोरा, और भरे भवन धन घोर कठोरा, एकदम बड़ा भारी शब्द हुआ, गर्जना हुई, सब ब्रह्मांड में गूंज गई, क्या हो रहा,
भरी भुवन भर जय जय मानी ओ धनस भंग ये जात न जानी। आज पूरे ब्रह्मांड में बोल गूंज गई जैसे बड़े आदमी की पग पे आता सुबह ने कही था तू किधे का है का 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 किधे का है का बोल जा रे भाई क्या किधे का है ये थी वो क्या देखो भाव मिल पिया तो दोनों में बंदूक के गला लगी ठा 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 अब का जू समझ में नहीं आई तो कई धनक चूटा और जय जयकार बोलने लगी। आज बोल ये राजवंश सरकार के यह धनस टूटा जय जयकार हो गई। सतानंद जी ने कहा कि धनस तोड़ने पर विभाग था राजा लोग सब रह गए और उसी समय जहाँ धनस टूटा राजा लोग तो सब बैठे ही थे। सतानंद जी ने कहा जानकी को बुलाओ चल चली युगल कर माल उठाई। मंच पर बैठे हैं जो मंच जयमाला कार्यक्रम की थी उसी मंच पर राम जी बैठे हैं तो दो ही हाथन में माला लेकर के जानकी जी गई। सहेली बोली प्यारा बेर प्यारा दे मेरे प्यारा पार कर बोले प्यारा दे तो जी लेवा के चलिए जैसे देख तो रहे तो प्रेम विभत्त पहरा न जाई। प्रेम से विभत्त होकर के माला नहीं पहराई जाती तब तक न भी कहने लगी सकी झुक जाइयो तनक रग दे लली मेरी छोटी है झुक जाइयो लली मेरी छोटी है झुक जाइयो राम जी ओ जानकी न माला पहना दे जानकी जी मैं राम जी माला पहना दे जानकी जी मैं राम जी को माला पहना दे पहनाई पहनाई हाँ पहनाई 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 ले जानकी जी राम जी माला पहना दे जानकी जी मैं राम जी को माला पहना दे। और ये थी इन्हें गाई
के डब्बे नहीं तो ऐसी नार करी चतुर थकी ये कहा बजाई वो पहना वो जयमाल सुहाई जो ये मौका बे जानकी जी ने जला के माला गली में डाल दी ऐसा जय माला गई और सिये राम उर्माल सिये राम उर्माल ते कह दे बरे सारे तो फूल बरसाए और राजा लोग सब कुछ गए खेल मिट गो ए लगे थे अब क्या देखो अब राजा लोग सब कुछ ये थे जैसे कहो रात भर को दिया जल रहा हो और दिन उ गया तो तारागण भी मलिन हो जाते हैं जिम रब उदय कुमुद गण ऐसे राजा लोगों के चेहरा फीके पड़ गए और जानकी जी ने राम जी के गले में माला डाली और सखी बोली पाँव पल्लू देन पाँव पर जय माला डाल तो पाँव तो पल्लो जानकी जी ने कहीं पाँव नहीं पड़ा कहे के अब को अपने लड़का पे पाँव नहीं पड़ा तब हम तो पहली बार को पल्ले गई पल्ले ने फूफा पल्ले वो नहीं पढ़ रहा टेड़ी कर यही कर रहा वो नहीं पढ़ रहा पूरी जिंदगी नहीं कर रहा बंदा वो ही नहीं देखा बहू तो जानकी जी ने बेचारी ने कहा घोटा उसके पाँव पड़े भी नहीं थे सबने पड़े तो जानकी जी से सखी कह रही पाँव पल्ले ये मैं नहीं कर रही कहे तो ये भय है गौतम तीय गत सुरत का नहीं पर सत पद पान ही बहते रघुवंश मणि प्रीत अलोक के जान राम जी मन में बैसे व्यंग कहते ये अलौकिक प्रेम है तो ऐसे राम जानकी जी को जब पद स्पर्श करती है और सखी उन्हें लेकर रघुवंश की तरफ जाते हैं और यही परवाणी को विराम है और अब होगी आरती होगी यहाँ पहले एक कीर्तन हो जाए बैठे ही थे सतानंद जी ने कहा जानकी को बुलाओ चल चली युगल कर माल उठाई मंच पर बैठे हैं जो मंच जयमाला कार्यक्रम की थी उसी मंच पर राम जी बैठे हैं तो दो हाथन में माला लेकर के जानकी जी गई सहेली बोली प्यारा बेन प्यारा दे मेरे प्यारा पारे कल बोले प्यारा दे तो जी लेवा के चली जे जैसे देव तो रहे ने तो प्रेम विवश प्यारा न जाई प्रेम से विवश होकर के माला नहीं पहराई जाती तब तक न भी कहने लगी सकी झुक जइयो तनक रख दे लली तेरी धोती है झुक जइयो झुक जइयो तनक रख दे लली मेरी धोती है झुक जइयो Hare 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 Hare
के एक काम करो जाए आदि माला पकड़ो और आदि माला में और भाई मेरे हम गा रहे और भाई मेरे तुम माला पहना दियो तो जैसी सखी गान लगी पहना दई पहना दई पहना दई रे राम जी ओ जानकी माला पहना दी जानकी जी मै राम जी माला पहनाई जानकी जी मै राम जी को माला पहनाई पहनाई हाँ पहनाई 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 ले जानकी जी मै राम जी माला पहनाई जानकी जी मै राम जी को माला पहनाई और यदि न गाई तो राम जी ने कई के डब्बे अंदर तो यह किनार करी चतुर सखी एक कहा बजाई वो पहना वो जयमाल सुहाई जो ये मौका दे अब जानकी जी ने जला के माला गले में डाल दई आजा जय माला गई और सिए राम और माल सिए राम और माल ते कहते बंबर फूल बरसाए और राजा लोग सब कुछ गए खेल मिट गो हे लगे थे अब क्या देखो अब राजा लोग सब कुछ जैसे को रात भर को दिया जल रहा हो और दिन उ गया तो तारा गण भी मलिन हो जाते हैं जिम रब उदय कुमुद गण ऐसे राजा लोगों के चेहरा फीके पड़ गए और जानकी जी ने राम जी के गले में माला डाली और सखी बोली पाँव पल्लू डेन पाँव पड़े जा जय माला डाल रही तो पाँव तो पल्लो जानकी जी ने कहीं पाँव नहीं पड़ा कहे कि अबे को अपने लड़का पे पाँव नहीं पड़ा तब हम
को पेली दिए को पल्ले गई पल्ले रे फुवा पल्ले वो नहीं पर रहा पेली कर यार कर रहा वो नहीं पर रहा पूरी गई देती नहीं कर रहा बंदा वो ही नहीं देखा बहु तो जानकी जी ने बेचारी ने काय को काल के पाँव परे भी नहीं की सबने परे तो जानकी जी से सकी कह रहे पाँव पल्ले ये मैं नहीं कर रही काय तो ये भय है गौतम तीय गत सुरत का नहीं पर सत पद पान तीय बहते रघुवंश मनी प्रीत अलोक के जान राम जी मन में बैसे व्यंग कहते ये अलौकिक प्रेम है तो ऐसे राम जानकी जी को जब पद स्पर्श करती है और सखी उन्हें लेकर रघुराज की तरफ जाते हैं और यही परवाणी को विराम है और अब होगी आती होगी यहाँ पहले एक कीर्तन हो जाए भैया उस पार लगा दीना Let go.
अखंड जान जानी मेरी बनाया I'm sorry.
I'm gonna go.